सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को प्रदूषण पर फटकार लगी है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, ग्रैप 3 लागू करने में देरी क्यों हुई है पूछा है। ग्रैप 4 हमारी इजाजत के बाद हटाया जाए, एक्यूआई का स्तर चाहे 300 के नीचे आ जाए फिर भी ग्रैप 4 नहीं हटाना जाया चाहिए। जब तक हम हटाने का आदेश नहीं देंगे तब तक ग्रैप 4 नहीं हटाया जाए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को प्रदूषण पर फटकार लगी है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार और कहा कि ग्रैप 3 लागू करने में इतनी देरी क्यों की आपने, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ साथ ये भी कहा कि ग्रैप 4 हमारी इजाजत के बाद ही हटाया जाए। जो परिस्थिति दिल्ली में है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। एक्यूआई का स्तर चाहे जितना नीचे चला जाए, 300 के नीचे चाहे पहुंच जाए फिर भी ग्रैप 4 नहीं हटाया जाना चाहिए। जब तक हम हटाने का आदेश ना दें तब तक ग्रैप 4 बना रहना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से पराली जलाने के मामले अभी तक सामने आए हैं, और न सिर्फ पराली जलाने के बल्कि एक्यूआई का ही जिक्र करेंगे, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में एक्यूआई 500 के पार जाता दिखाई दे रहा है और ये स्थिति बहुत ही हैजार्डस है। ये सिवियर प्लस वाली कैटेगरी में है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, शंकर क्या कुछ हुआ? निश्चित तौर पर देखिए, आज इस मामले में जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उस कोर्ट की सुनवाई के दौरान में ही दिल्ली सरकार को सबसे पहले फटकार लगाई गई और इस मामले में कोर्ट का जो एक रुख है वो बेहद सख्त नजर आ रहा था। लेकिन इस मामले पर दिल्ली सरकार के वकील जो हैं उनके द्वारा कोर्ट से एक अपील की गई कि आज इस मामले पर दोपहर में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लिहाजा इस मामले पर उन्हें कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर उनका जो आवेदन है उसको स्वीकार करते हुए जो एंड ऑफ बोर्ड यानी कि आज जो मुख्य कोर्ट में जितने भी मामले लगे हैं उस मामले में तमाम मामलों की सुनवाई के बाद जो सबसे आखिरी केस होगा उस आखिरी केस के तौर पर इस केस को सुना जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल कोर्ट में थोड़ा सा उनको वक्त जरूर मिल गया है, लेकिन आज शाम के वक्त में इस मामले पर सुनवाई होगी और उसके बाद कहा जा सकता है कि इस मामले पर दिल्ली सरकार शंकर भले ही वक्त मांगा गया हो लेकिन कोर्ट की ओर से तो पुराना जो रवैया रहा है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ये पूछा गया है कि ग्रैप 3 लागू करने में इतनी देरी क्यों की है। आतिशी ने आज मुख्यमंत्री दिल्ली की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहती हैं कि हरियाणा में पराली जल रही है इस वजह से प्रदूषण हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पराली जलाने का जो मसला है, देखिए ये एक मसला तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में जो बढ़ते वायु प्रदूषण का जो मसला है इसके कई और भी रीजंस हैं। जिस मामले पर आज कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान में शुरुआती तौर पर ही इस मामले पे कहा गया और कोर्ट में जिस तरह से याचिका दायर की गई है इस याचिका में साफ तौर पर इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो कहीं दिल्ली देश में सबसे बड़े स्तर पर मैं कहा जा सकता है कि पहले नंबर पे ना आ जाए कि जहां पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा यहां पे दूषित है। तो इस बात को लेकर जो जिस तरह से याचिका दायर की गई थी उसी याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज शाम में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो एक तरह से उस वक्त में देखना लाजमी होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा इस मामले पर क्या क्या दलीलें जो है कोर्ट में रखी जाएंगी। और आज जो मीटिंग का एक हवाला दिया गया है कि एक मीटिंग होना है, उस मीटिंग के बाद जो तमाम फैसले लिए जाएंगे उस बात को भी बाकायदा उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से वायु प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ रहा है इस मामले को लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। थोड़ा सा वक्त जरूर मिला है और इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी उसका उसके रिपोर्ट की भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जिस तरह से न्याय मित्र ने बेंच में बताया था कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CQAM जो है उसके बारे में भी आज जानकारी दी जाएगी और जिस तरह से राजधानी दिल्ली में किस तरह से वायु प्रदूषण का स्तर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो उसके बारे में तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। शंकर, अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हटकर बात करें, अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिम्मेदार ठहरा दिया हरियाणा को, हरियाणा सरकार को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो फटकार इस बात को लगा रहा है लेकर कि ग्रैप 3 लागू करने में इतनी देर क्यों हुई है, तो ये सियासत के लिहाज से ये कब तक चलता रहेगा, इस पर आपकी टिप्पणी?
निश्चित तौर पर देखिए, वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की अगर बात करें तो हर साल पिछले 5-6 सालों के दौरान में देखा गया है कि हर साल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, और हर वक्त में चाहे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो चाहे एक पक्ष दूसरे पक्ष को, दूसरा पक्ष पहले पक्ष को, हाँ। यानी जिस तरह से एक राजनीतिक बयानबाजी होती है, हाँ। तो इन सबों से ऊपर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सख्त नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस मामले पर जो एक बेहतर विकल्प हो सकता है उस तमाम मामलों पर कोर्ट के द्वारा एक उपाय जो है वो बताया जाएगा। लेकिन किस तरह से दिल्ली सरकार के द्वारा आज इस मामले पर दलील दी जाएगी और वो दलील जो होगी उस दलील पर फिर उसके बाद किस तरह से कोर्ट का रुख होगा वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।